हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जर्नलिस्ट के जॉब के बारे में। तो एज अ जर्नलिस्ट अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। एज अ जर्नलिस्ट आप किसी भी जो एक स्टोरी है हम लोग कह सकते हैं या कोई एक घटना हुई है उसको सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप गैदर करेंगे और जो भी आपने गैदर की है अपनी इन्फॉर्मेशन उसको एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करेंगे। अब जो ये स्टोरी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका मीडियम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आप एक न्यूज़पेपर के लिए जर्नलिस्ट का काम कर सकते हैं या कोई मैगजीन्स है उसके लिए आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि टीवी पे इतने सारे जर्नलिस्ट होते हैं तो आप उसमें भी अगर इंटरेस्टेड हैं, या आप जो टीवी एंकर होते हैं आप वो भी बन सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि आप में जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होगी कि अगर आप बिहाइंड द सीन जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं या फिर आप अगर टीवी पे जो जर्नलिस्ट आते हैं आप अगर वो एज अ जॉब उसको चूज करना चाहते हैं तो थोड़ा जो स्किल सेट होगा वो डिफरेंट होगा। जर्नलिस्ट पे बहुत लोग रिलाय करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो जर्नलिस्ट जब उनको दे रहे हैं या उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बहुत ऑब्जेक्टिव मैनर में उनके सामने पेश करें। एज अ जर्नलिस्ट जब आप काम करेंगे तो जिस भी स्टोरी पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से कि कहीं पे यू नो वोल्केनो है आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कहीं पे फ्लड आ गई आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ जाके ही रिपोर्टिंग करनी होगी उसकी। और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों से मिल के सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जहाँ फ्लड हुई है वहाँ पे जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे पहले तो क्या सिचुएशन है आप उसको पहले देखेंगे समझेंगे फिर आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से बात करके देखें आप दिखाएं कि उसका कैसा इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको ऑन द सीन जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी और अपना जो मटेरियल है वो इकट्ठा करना होगा। अब जब आपने जो मटेरियल है आपका वो आपने इकट्ठा कर लिया, अगर आपको वीडियो बनाना है उसका तो आपने वो बना लिया, अब जो एक स्टोरी पे काम करना है जैसे कि आपको उसको अगर लेट से कि ये स्टोरी जो है आपको वो न्यूज़पेपर में देनी है तो आपने जो फोटोज़ हैं वो ले ली, उसके बाद जो आप काम करेंगे जैसे आपको आर्टिकल फिर लिखना होगा या वो स्टोरी लिखनी होगी तो उसके लिए वो जो काम है जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहीं से भी किया जा सकता है। वो आप एक होटल रूम में हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं या जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप वहाँ पे भी रह के वो काम कर सकते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने मीडियम क्या चूज करा है। आपका मीडियम अगर न्यूज़पेपर में एज अ जर्नलिस्ट है तो वहाँ पे डिफरेंट है और अगर आप रेडियो पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी आपकी एज अ जर्नलिस्ट। सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो तो यही होगी राइटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टोरीज़ की, कि आप जो भी स्टोरी है या जो भी घटना हुई है आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बेस्ड ऑन द मीडियम आप उसको लिख रहे हैं और आप लोगों के सामने एक ऑब्जेक्टिव मैनर में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट जब आप काम करेंगे तो आपको कई जगहों से जो लीड्स हैं वो भी मिलेंगी, तो उन लीड्स पे जाके आपको काम करना होगा या कहीं पे जैसे जैसे कोई घटना हो रही है या कहीं पे कुछ ऐसा हो गया है चोरी हो गई है इस तरीके की अगर कोई घटना हो गई तो आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी। या फिर अगर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल रैली हो रही है तो आपको जैसे पता नहीं है किसी ने लीड प्रोवाइड करी या आपको टीवी के माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे रैली होने वाली है पॉलिटिकल, तो आप क्या करेंगे इस पे लीड पे आप जाके वहाँ पे आप अपने रिपोर्टिंग का काम करेंगे और उसके बाद जो भी आप स्टोरी एक बनाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में ये भी होगा कि आप अपने जो भी एडिटर हैं उनके सामने वो जो एक तरीके से कैप्टिवेटिंग स्टोरी की तरह बना के लेके जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली जो एडिटर हैं वो उसको एडिट करना चाहते हैं या वो किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो उन पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा डेटा या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। अब ये आपका एक काम होगा कि आप उसमें से देखें कि क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको अपनी जो आर्टिकल है या जो स्टोरी है उसमें यू नो ऐड करना है या फिर कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं उतनी ज़रूरी हैं
वो आप ऐड नहीं करेंगे। जो भी आप काम करेंगे, जैसे आप नोट्स लेंगे, आप इंटरव्यूज लेंगे, या फिर आप यू नो वीडियोस या फोटोज होंगी आपके पास, उन सब का एक रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी होगा। एज अ जर्नलिस्ट आपको बहुत सारे लोगों के साथ अपने जैसे लीड्स के लिए, रिलेशंस, या फिर बहुत सारे सोर्सेस के लिए कि जहाँ से आपको जो ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन है वो मिले, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे इंडिविजुअल से, बहुत सारे प्रोफेशनल से जो एक रिलेशनशिप है वो बना के रखना होगा, जिससे कि फ्यूचर में भी जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ बहुत सारे जो ऐसे आर्टिकल होते हैं या न्यूज़ स्टोरी होती हैं जिसमें आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एज अ जर्नलिस्ट आप जाके वहाँ पे किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल स्टोरीज भी होती हैं, तो उसके लिए आपको उन सब से बहुत अच्छा एक रेपो बना के रखना होगा, क्योंकि आपको एज अ जर्नलिस्ट बहुत बार उन लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। एज अ जर्नलिस्ट आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट जो हैपनिंग्स हैं कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे एक स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, उससे लेके वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, इन सब की जानकारी होना, आपको अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होगी एज अ जर्नलिस्ट काम करने में कि आप जो डेडलाइंस हैं उनको मीट करें, क्योंकि जैसे हम लोग देखें कि न्यूज़पेपर है, उसमें जो रिपोर्टिंग होती है वो हम लोगों को भी एज अ कंज्यूमर भी हम लोगों को फ्रेश न्यूज़ चाहिए होती है कि कल क्या हुआ वो आज न्यूज़पेपर में होना चाहिए। तो वो आपके लिए डेडलाइन होगी कि आप सारे जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो एक डेडलाइन के साथ करें, तुरंत हम लोगों को जो कंज्यूमर है उनके सामने जो न्यूज़ है जैसे ही हुई है उसकी वैसे ही तुरंत रिपोर्टिंग और टाइमली फैशन में वो हो जानी चाहिए। अब एज अ जर्नलिस्ट काम करने के लिए आपको जो जर्नलिज्म में डिग्री है वो लेना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो आप में जो स्किल सेट होना चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा स्किल सेट है कि आपको रिसर्च करना जो है वो बहुत इस जॉब में करना पड़ेगा। तो वो आप में एक स्किल होनी चाहिए कि आप चीज़ों को रिसर्च कर पाएँ, जिससे कि आपको जो जो सोर्स हैं आपके, जहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके एकदम करेक्ट हों। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी एक पार्ट ऑफ योर जॉब होगा। उसके अलावा आपको क्योंकि स्टोरी लिख के पेश करनी है, तो आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो तो लोगों से आप बात करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो। तो आपको लैंग्वेज पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि आप उसको ना केवल के लोगों से बात ही कर रहे हैं बल्कि आपको उसको लिख के भी पेश करना है। एक जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि आप लोगों से रेपो बहुत जल्दी बना लेते हैं, और हर लेवल के लोगों से एक रेपो बनाने का जो स्किल सेट है वो आप में होना चाहिए, क्योंकि आप एज अ जर्नलिस्ट हो सकता है कि आप यू नो बहुत ही एक सिंपल इंडिविजुअल से भी बात कर रहे हैं अपने काम के लिए, और हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, या आप यू नो इंडिया से बाहर जाके बहुत जो प्रोफेशनल्स हैं बड़े बड़े, या फिर जो यू नो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनको भी आप उनकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक रेपो बनाने का जो स्किल सेट है वो होना चाहिए कि जिससे आपके साथ कोई बात करने में एट ईज फील करे और आप उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल भी सकें। एज अ जर्नलिस्ट हो सकता है कि कई बार आप अकेले ही काम कर रहे हो, कई बार ऐसी स्टोरी एकदम से आ सकती है कि आपको सारा काम खुद ही करना पड़े, कि जैसे फोटो भी अगर क्लिक करना है तो आप ही कर रहे हैं, आपका जो कैमरामैन है वो नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंटली वो काम कर सके। और हो सकता है कई बार आप जब नॉर्मली आप काम करेंगे, जैसे आपको पहले से नॉलेज की या रिपोर्टिंग करनी है, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ भी जाके रिपोर्टिंग करेंगे। तो दोनों तरीके से आपको काम करने में जो है वो एक तरीके से कंफर्ट लेवल आपका होना चाहिए। आपका काम करते हुए हो सकता है आपको कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़े, हो सकता है कि कई बार आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पर वो जो इंडिविजुअल वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे बात करने में, तो जो एक रिजेक्शन लेने की एक ताकत होती है वो आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपका काम जो है वो पब्लिक डीलिंग का है। तो ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो आपको यू नो आप दिल से लगा लें या फिर आप बोलें कि दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करनी है,
क्योंकि ये काम आपका ऐसा है कि आपको सबसे डील करके ही रखना पड़ेगा, आपको नहीं पता कि कब कहाँ से क्या स्टोरी आपको लानी पड़ जाए, तो इसके लिए सबके साथ एक रेपो बना के रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो एक जर्नलिस्ट का काम बहुत ही एक्साइटिंग होता है, आप रोज रोज नई नई चीज़ों पे काम करते हैं, नई नई स्टोरीज आती हैं, तो इट्स लाइक एवर चेंजिंग जो वर्क है, तो इसमें आप ऑन योर टोज रहते हैं हमेशा, पर एक बहुत एक्साइटिंग जॉब भी है। और इसमें मीडियम्स आपको बहुत मिल जाते हैं कि आप रेडियो पे काम कर लें या फिर आप मैगजीन में काम कर लें, और आप चूज भी कर सकते हैं कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि टीवी पे जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, वो हो सकता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड जो एक फील्ड है उसमें ही रिपोर्टिंग करें, जैसे कुछ होंगे जो फाइनेंशियल फील्ड में ही रिपोर्टिंग करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पॉलिटिकल फील्ड को ही देखते हैं। तो इसमें ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जर्नलिस्ट हैं पर आप अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज भी चूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी चूज करना चाहे, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, आप वो चूज कर लें। तो आप दोनों तरीके से चूज कर रहे हैं कि आप अपना फील्ड भी चूज कर रहे हैं और आप अपना मीडियम भी चूज कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये ऑलराउंड एक जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, वो बहुत अच्छा है। और अगर आप इसमें आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ वो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।